सर 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 थोड़ा सा वीडियो सर वीडियो वीडियो सर हम लोग सदन की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा सर ठीक है, सदन की नहीं सर बात कर रही है। 24 से सदन है सर, 24 से सदन उसकी बातें कर रहे हैं सर, क्या दिक्कत है आप लोग? सर 24 से सदन है, आप लोग को पता चला है, और विधायक की बैठक होती है। हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाना है सरकार के खिलाफ, वो चीजें हैं। इसलिए अभी बात भी नहीं करने दे रहे हैं आप। एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ आपके जो नेता प्रद्युम्न यादव ने एनआर कटाया है, वो किसके अनुमति? वो सर वो तो आप उनसे पूछिए और आला कमान से पूछिए, हमें पता नहीं। अभी कोई निर्णय लिया होगा, कांग्रेस कोई तय नहीं किया, कोई कांग्रेस तय है कि अभी तय होगा, आला कमान खबर करेंगे जो करना है, लेकिन हम लोग अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं किया। आप भी ले सकते हैं, कोई भी विधान परिषद ले सकता है रसीद, इंडिपेंडेंट कोई भी ले सकता है, वो लिए होंगे। हाँ तो इंडिपेंडेंट कोई भी कटा सकता है, नहीं वो तो आला कमान तय करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग गिनती में नहीं है, वो नए से, इसलिए हम लोग को चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद, जैसा यही निर्णय है, लेकिन वो अभी कहना बहुत मुश्किल। लेकिन हम लोग तो सदन की बैठक कर रहे हैं कि सरकार को कैसे घेरेंगे। आला कमान से इंतजार है अभी भी? नहीं नहीं इंतजार नहीं, वो तो तय हो चुका है कि नहीं, सदन के अंदर राजद के साथ तय हो चुका कि उम्मीदवार। सर ये सदन के अंदर हम जनता की आवाज बनते हैं, किसी के साथ नहीं, विपक्ष के जहां तक बात है सरकार को घेरने में, हम लोग सभी विपक्ष एक साथ रहेंगे। सर क्या तय हो गया कि आप उम्मीदवार नहीं देंगे? क्या चीज का? बिल्कुल तय हो, वही है कहा, हम तो बोले माइट भी सबके टीवी पर चला होगा कि हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे। नहीं समर्थन कैसे करेंगे, हमको जरूरत क्या है? हमको जब नहीं पूछेगा तो हम किसी को क्यों पूछने जाएंगे? वो तो अलग इशू है, आज तो सदन की बात करने दीजिए, उसके बाद फिर बात आएंगे इस पर। की जो कही जा सकती है एक तरह से बैठक हो रही है, अनऑफिशियल बैठक है। मदन मोहन झा जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ हैं। सर एकाएक जो इस बैठक को क्या नाम दिया जाए? ये तो मीट टुगेदर है, सब विधायक हैं भी नहीं, हम लोग 8-10 आदमी आए हुए हैं, तो पहले से भी सारे लोग बाहर रहते हैं। जैसे हाउस का है, हाउस का भी डिसीजन लेना होगा, चुनाव में क्या करना है, किसकी क्या राय थी, वो भी जान लिया गया। डिसीजन जो होगा वो तो आला कमान लेती है, हम लोग का रिक्विजिट जो संख्या है वो नहीं है, किसी से मेरा अभी सामंजस्य भी नहीं हुआ है। तो बात अगर किन्हीं विधायक के मन में कुछ है या फोन पर बताते हैं तो बैठ के उनकी बात समझ ली जाती है। आखिरी दिन है सर नामांकन का, क्या उम्मीद कुछ अभी भी बचा हुआ है? नहीं अभी तो आला कमान तो पहले भी दे दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया है मेरे पास अभी तक। और अगर लड़ने में जो सतर्कता रहती है वो नहीं है मेरे पास अभी, वो सतर्कता हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंतिम तक हम लोग इंतजार करेंगे आला कमान क्या कहती है। अगर अंतिम समय तक कुछ अगर पॉजिटिव मैसेज आता है तो आप लोग तैयारी है? एनआर भी कट चुका है कांग्रेस के नेता का? हमको नहीं जानकारी है एनआर कोई कटाए हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के नाम पर लिए होंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। एनआर तो कोई कटा सकता है, अगर कोई मान लीजिए ले लिया तो उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी ने अभी किसी को अधिकृत न कहा है लेने के लिए, न हमने अभी उम्मीदवार का कोई तय किया। आरजेडी ने जो आपके साथ जो व्यवहार किया, 5 जून को भी आप लोग को अलग रख दिया, कोई पूछ और कुछ विचार नहीं हो रहा, इस तरह का व्यवहार क्या लगता है विपक्ष को? मजबूत नहीं, ठीक है वो तो मैं इस पर तो कह ही चुका हूँ, इससे विपक्ष में कोई मजबूती नहीं आएगी, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए लोग करते हैं, उनको अगर मान लीजिए कहीं से ये मैंने गलत फहमी होगा जब अकेले कर लेंगे तो उसमें हम लोग को क्या आपत्ति है, हमारा नेशनल पार्टी है, हम लोग भी अपनी तैयारी करेंगे आगे। 24 को लेकर बात हमेशा हो रही है कि कांग्रेस मजबूत अपने आप को करेगी, उसको लेकर नहीं, निश्चित रूप से कमजोर माने कमजोरी जो है उस पर आप देखते हैं, उदयपुर में हम लोग ने मंथन किया, राजगीर शिविर में हम लोगों ने मंथन किया, हर एक जिला में हम 11 से लेकर 14 तक मंथन कर रहे हैं, और ये तो बात है ना, मेरी कमजोरी कहीं दिखी है तो उसको हम दूर करेंगे। हमारी जो जनता से जो कनेक्शन है, संवादहीनता हुई है कहीं ना कहीं, कहने में कोई हिचक नहीं है। विधानसभा के सत्र में आप लोग साथ में रहेंगे मुद्दों पर या आपका अपना स्टैंड? उसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, फिर हम लोग दूसरी बैठक 21-22 को करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। यानी अभी तक सर क्या स्थिति लगी, जिस तरह से आरजेडी आपको निग्लेक्ट करके चल रही है? हम लोग जो जनता का इशू है उसको उठाएंगे,
साथ में रहेंगे के उठाएंगे या देखिए नहीं नहीं जनता का इशू अगर कोई उठाता है हाउस में अगर कोई भी जनता का इशू उठाता है कोई विधायक वो किसी भी दल के रहें आप ये भी जान लीजिए आरजेडी तो मेरा बहुत दिन तक अलायंस पार्टनर रहे हैं और उनकी बातों को तो सहमति हम व्यक्त करेंगे ही लेकिन अगर सत्ता पक्ष वाले विधायक भी कोई ऐसा इशू उठाते हैं हाउस के अंदर जो कि हम लोग को लगता है नहीं ये जनता के हित में उठा रहे हैं तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। सवाल सर ये रहेगा अभी तक आपको इंतजार था अभी जब तक समय 4 बजे तक खत्म नहीं होता तब तक आप इंतजार कर नहीं ठीक राजनीति में हमेशा बनी रहती है संभावना क्या होगा क्या नहीं लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं के जो कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी थे और जो बैठक हो रही है इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बातें हैं कुछ विषयों पर अभी तक इंतजार है केंद्रीय नेतृत्व का कोई इशारा नहीं हुआ जिस कारण से इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया अगर कुछ इशारा होता है तो MLC उम्मीदवार को लेकर भी जो है पार्टी के नेता जो है सोच सकते हैं मगर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ बातें कुछ विषयों पर हो रही है आगामी समय में कांग्रेस का क्या कुछ स्वरूप होगा और विपक्ष की भूमिका में कैसे जनता के विषयों को उठाएगी उन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही आने वाले समय में कांग्रेस के कार्य योजनाओं को लेकर इस समय कैमरा पर्सन रणधीर के साथ गौतम गौंड का पटना।